एक्साइटमेंट पता कैसी होती है एक मिलियन हो गया दो मिलियन हो गए तीन मिलियन हो गए मिलियन हो गए भाई ये आविश बढ़ते जा रहे हैं यार ये तो मैंने आविश ने फिर चार चार वीडियो डालने चालू किए सब कमा रहे हैं हम बैठे हैं क्यों क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं कर रहा हूं अभी तो वीडियो का सही ठीक है चल रहा है भाई सत्रह अठारह उन्नीस बीस सब दो हजार इक्कीस आ गया और कुछ भी नहीं हो रहा मेरे पास पैसे नहीं है मेरे पास काम नहीं है क्या करूँ मम्मी पापा के लिए चार साल हो गए बैठा पड़ा घर पे मतलब एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि यार नहीं भाई कुछ नहीं हो पाएगा YouTube जो लोग वीडियो बनाते हैं ना मैं उनको एक चीज बता दू भाई मेरा नाम है अंकुर अग्रवाल और मैं उत्तराखंड के एक टाउन किच्छा से आता हूँ आपने मुझे टीटी बनते हुए देखा होगा प्लम्बर बनते हुए देखा होगा कभी नाव चलाते हुए देखा होगा तो भाई ये कैसे मैंने किया क्या किया आज मैं आपको सब बताऊंगा मैं देखता था टीवीएफ टीएसपी ये ना ये मेरे लिए वो थे कि यार इन जैसा करना है इन जैसा बनना है मतलब जीतू भैया को देख के मुझे ऐसा लगता था यार ये ये कर सकते हैं यार हम लोग ये करना है तो जब टी वी देखता तो मुझे लगता था ये हमसे बनेगा नहीं लेकिन करना है ऐसा ही है तो जब दोस्त ने एक वीडियो दिखाई मुझे तो यार यार ये बना सकते हैं तो मैंने एक छोटी सी वीडियो लिखी और मैंने बनानी चालू की उन दोस्तों के साथ वीडियो बनाई और वीडियो चली थ्री पहुंची पहली वीडियो हमें लगा यार थ्री भाई इतने व्यूज क्योंकि उस टाइम थ्री हमारे लिए बहुत थे कि भाई ये तो मजा आ रहा है यार देखने में थ्री और हमने तीन चार वीडियो हम लोग जब सड़क पे एक बार निकले तो दो तीन हमारे टाउन के लोग मिले बोले यार तुम्हारी वीडियो बड़ी अच्छी लगी यार आमेश भाई अंकुर भाई बहुत सही काम करते हो यार आप मजा आ रहा है तो मैंने कहा क्या कहते हैं थैंक यू सो मच जब आपको कोई बोलता है ना किसी यार बहुत अच्छा काम करते हो और सिर्फ तीन जने आपकी फील्ड में हो और आप दो की तारीफ हो रही हो तो तीसरे को जैलसी होती है यार तो दोस्तों में थोड़ी जैलसी हुई और वो दोस्ती धीरे 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 ब्रेक होने लगी वो चैनल टूटने लगा क्योंकि उस दोस्त को शायद ये पसंद नहीं आया होगा कि यार ये सही नहीं है यार इन दोनों की तारीफ हो रही है मैं कैसे कर लूँ उसने हमें कहा कि भाई नहीं हो पा रहा चैनल का तुम अपना देखो हम अपना देखते हैं तो जब उसने एकदम बोला मैंने कहा यार तू दोस्त है मेरा तू ये एक काम कर तू चैनल ले ले बट इसको ऐसे मत बोल इसको खत्म कर आराम से कि यार नहीं कर सकते चैनल भाई और कुछ करते हैं धीरे धीरे करते हैं बट उसने डायरेक्टली बोला ना मैंने कहा यार ये तो मैं तो पूरा टाइम लगा रहा था इस पर मैंने कहा अब क्या करूँ पापा मम्मी को बोल दिया कि मम्मी ये करूँगा वीडियो बना रहा हूँ दोस्त के साथ मैंने कहा यार अब क्या करूँ घर गया बैठ गया शांति से मैंने कहा कोई बात नहीं देख लेंगे जो होगा देख लेंगे थोड़ा टाइम रुके मैंने आवेश को फ़ोन किया मैंने कहा आवेश चैनल शुरू करते हैं भाई दोनों मिलकर थोड़ा तो चोला तो ठीक है कर लेते हैं मैंने कहा हाँ करते हैं आवेश में मिले हम दोनों ने चैनल शुरू किया उस पर एक वीडियो डाली थोड़ी लंबी वो वीडियो चली नहीं तो पहले बुरा लगा कि यार वीडियो तो नहीं चली फिर हमने कहा अभी तो ये टाइम प्रोसेस है एक बात मेरे माइंड में हमेशा थी कि कॉपी नहीं करेंगे कोई भी कॉन्टेंट कितना लंबा टाइम लग जाए कॉपी नहीं करेंगे कभी भी आवेश तो जब वीडियो डाली लंबी वाली तो वो चली नहीं फिर उसके बाद एक वीडियो और डाली फिर दो वीडियो डाली तीन वीडियो डाली 2017-18 तक हमने इतनी वीडियो डाली है ना कि हम बता नहीं सकते क्योंकि हम वीडियो डालते थे और डिलीट भी करते जाते थे नीचे की क्योंकि खुद की वीडियो बुरी भी लगने लगती थी कि यार ये क्या बना दिया हमने क्योंकि जब भी आप पहली वीडियो डालते हो ना और जब आप तीसरी वीडियो डालते हो तो आपको पहली बुरी लगने लगती है और आप सोच रहे होते हो वायरल क्यों नहीं हो रही है ना एक चीज़ और है क्योंकि आजकल लोग ना बहुत जल्दी वायरल हो रहे हैं तो हमें लगता है सबको फेमस होना है तो जल्दी वायरल होने का तो भाई कोई चांस नहीं है आपको काम अच्छा करना पड़ेगा अगर आपको लंबा होना है। और एक तो वायरल और फेमस में तो पड़ेगा तो सत्रह में जब क्या कहते हैं वीडियो डाली अठारह में डाली डालते रहे डालते रहे डालते रहे दिमाग खराब हो गया कि भाई कुछ नहीं चल रहा है पैसे ऐसा नहीं है कि घर से बुरे थे कि भाई पैसे ही नहीं है घर पे क्या कहते हैं क्या करें क्या करें बट लेना बुरा लगता था क्योंकि आप जब बड़े हो हो जाते ना आपको लगता है अब दू क्योंकि माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं ना अब इनको तो इस एज में इनको पैसे देने चाहिए ना हम देंगे इनको हम इनसे ले रहे हैं तो जब मैं और आवेश वीडियो के लिए निकलते थे ना बाइक पे तो मैं भैया को फोन करता था पेट्रोल पंप के बाहर पहुंच के मैंने कहा वो बार कोड भेज दिया सौ रुपये डाल देना तो क्या कहते हैं वो इतना फील होता था लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि क्या कर रहा है कहाँ जा रहा है क्योंकि बाइक पर ही जाएंगे ना वीडियो बनाने तो बस ये है कि डालते रहे मैंने कहा भैया डाल देना मम्मी से बीस रुपये ले लिए दस के सम पाँच पाँच के दो दो समोसे आए दोपहर में खाए क्योंकि घर जाएंगे तो टाइम लगेगा धूप चली जाएगी वीडियो जब आप यूट्यूब की वीडियो बनाते हो ना ज़्यादातर लोगों को दिक्कत है जो बाहर बनाते हैं कि धूप ना चली जाए क्योंकि तो शाम हो गई तो क्वालिटी खराब हो जाएगी तो हम वेट करते थे कि यार जल्दी चार बजे से पहले निपटाना है ताकि धूप ना चली जाए खराब ना हो जाए मामला देख ले भाई जैसे जैसे करना है तो हम जल्दी जल्दी समोसे खाए वीडियो पे लगे एक दिन में मैंने आवेश ने फिर चार चार वीडियो डालने चालू की मैंने कहा डालते रहते हैं डालते रहते हो कुछ नहीं हो रहा कुछ भी नहीं हो रहा तो भाई 2018 2019 2020 भाई 2020 तक तो हमारी ऐसी हालत हो गई थी ना हमने कहा कुछ चल ही नहीं रहा अब जब हम वीडियोस डालते भी थे ना यार तो एक दिन हम लोग एक होटल में वीडियो बनाने गए मैं आवेश और मैंने एक छोटी सी टीम इकट्ठी करी वहाँ पर वो लोग बैठे थे जिनके साथ ये चैनल दूसरा चैनल शुरू किया था और उन लोगों ने शायद इतनी वहां पे हमारी ऐसी तैसी करी कि हमसे वीडियो बन ही नहीं पा रही थी तब आवेश ने बोला था कि क्या कहते यार ये तो बहुत दुखी कर रहे हैं यार अंकुर बहुत परेशान कर रहे हैं हम तो लड़के हैं ना यार मारते हैं कौन हमें हाथ लगा रहा है कौन बोल रहा है तो सारे दो लड़के थे तो मैंने आवेश को एक बात बोली थी मैंने कहा भाई चिंता मत कर ऐसी जगह मारूंगा रात को नींद नहीं आएगी तू टेंशन मतलब मैं देख लूंगा अपने आप अप। तो अब तो नहीं आती उनको रात को नींद तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और क्या कहते हैं तब फिर वो हो गया था कि यार वीडियो नहीं चली वो लेकिन उस टाइम डिसाइड हो गया कि भाई दिखाना है एक बार आपको पुश चाहिए होता है कि भाई करना है तो हमने करना चालू किया 18 19 तक कुछ भी नहीं हुआ बस वीडियो डालते रहे डालते रहे डालते रहे 20 में कोविड आ गया पापा मम्मी सब आस लगाए है बैठे हैं कि तू कब करेगा दुकान खुलवा दें क्या कर दें तेरे लिए और मेरे को और गई मन नहीं लग रहा मेरा मैं कह रहा हूं यार करना तो यही है ना हो कुछ नहीं रहा क्यों, आस पड़ोस वालों को बता चुका हूं कि भाई देखना ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं और ये तो बहुत जल्दी जाएंगे यूट्यूबर हैं यूट्यूबर एक ना आदमी के मन में आ जाता है कि यार ये तो यूट्यूबर है तो हमें बनना था वो यार हैं हम भाई हम वीडियोस डालते हैं और हम करते हैं अच्छा उनको दिखाने के लिए ना कि भाई अब नहीं छोड़ सकते पीछे और हो कुछ नहीं रहा क्या करूँ भाई मैं भाई सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस सब निकले दो आ गया और कुछ भी नहीं हो रहा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ दोस्तों की जॉब लग रही है मेरी उम्र के दोस्त जो है थोड़े थोड़े करके शादी निपटा रहे हैं भाई और मेरे से कुछ नहीं हो रहा है और मैं मैं कह रहा हूँ यार मेरे पास पैसे नहीं है मेरे पास काम नहीं है क्या करूं मम्मी पापा के लिए चार साल हो गए बैठा पड़ा हूँ घर पे खा मतलब ये समझो खा रहा हूं आपको वो लगता है ना आप दिन भर बैठे रहते हो घर पे हाँ मम्मी क्या करना है फिर आप सोचते हो कि घर का ही काम निपटा दूं क्या कर दूं इनके लिए और घर का काम निपटाने के लिए मम्मी बोलती तू नहीं बना तू अपने काम के लिए बना कुछ तो कर इतने सपोर्टिव फैमिली थी ना मेरी कि तू ये कर ले हम देख लेंगे और मुझसे कुछ हो नहीं रहा है तो एक तो प्रेशर ये है कि इनको भरोसा हो गया कि ये कर लेगा और हो कुछ रहा नहीं है इक्कीस बाईस के आधे तक मेरे को ऐसा हो गया था कि यार ये छोड़ दू क्या छोड़ दू क्या लेकिन नहीं भाई ये बता चुके थे सबको कि बनना है तो छोड़ना तो नहीं है अब तो बन के बन के ही बैठेंगे और आप जब बनने लगते हो ना यार तो आप बैठते नहीं हो फिर आपको और आगे 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 आगे, आगे जाना होता है आपका एक सपना होता है आपको पूरा करना होता है कि भाई एक बार चल जाऊं बस फिर मैं लोगों तक तो पहुंच जाऊं मैं क्या दिखेगा क्या बनाता हूं क्या करता हूं कुछ नहीं जिस टाइम पे आपके सारे दोस्त जॉब कर रहे हैं पैसे उड़ा रहे हैं मेरे दोस्त की शादी है यार मेरे दोस्त की शादी थी तो उन लोगों ने क्या बोला कि सब मिलते हैं सब मिलते हैं भाई दस दस की गड्डी लाए हुए सारे दोस्त और मैं लेके नहीं गया निकाऊँ तो मेरे मेरे माइंड में वो चल रहा है कि यार नहीं यार पापा बोल रहे ले जाओ मेरे को नहीं यार अपने पैसों से उड़ाऊंगा ना जिस दिन तेरी शादी में उड़ाऊंगा कमा के और कुछ नहीं हो रहा सारे दोस्त इंजॉय कर रहे हैं सबके पास जॉब है सब कमा रहे हैं हम बैठे हैं क्यों क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं वीडियो बनाते हैं कोई पूछता है तो वीडियो बनाते हैं कर रहा हूँ अभी तो वीडियो का सही ठीक है चल रहा है और आपसे हो कुछ ना मतलब ये समझ लो वो चार पाँच साल ना बस मैं सीख रहा हूँ कर रहा हूँ सीख रहा हूँ कर रहा हूँ मतलब एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि यार नहीं भाई कुछ नहीं हो पाएगा पर हाँ उस टाइम एक चीज थी आप ऐसे ऐसे अपने आइडल्स की वीडियो देखो ना ऐसे ऐसे अपने आइडल्स की मूवीज मूवीज देखो मैंने वीडियोस मैं गोविंदा का फैन हूँ बहुत बड़ा मैं इतनी वीडियोस देखता हूँ ना गोविंदा सर की मैंने सारी मूवी देख डाली उस टाइम क्योंकि आप कुछ हो नहीं क्या देखोगे आप क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता भागम भाग सब देख रहा हूँ मैं कि भाई किसी तरह कुछ इनको देख के सीख लूँ इनको देख के दोबारा लर्निंग कर लूँ दो के आधे तक तो हम पागल हो गए थे कि भाई अब नहीं हो रहा आवेश भी मैं भी मेरी दादी मेरे पास थी हमारे घर पे ही रहती थी हम उनकी सेवा करते थे उनके साथ रहते थे तो मैंने एक बार ऐसे ही बोला पापा ने मुझे स्ट्रिक्टली दिया था कि महीने तक तू तो कहीं हिलेगा नहीं क्योंकि तेरी दादी घर पे है। पापा की तो माँ है ना भाई पापा को तो, तो चाहिए ना वो चीज कि इसकी सेवा करो मैं भी रहूंगा तू भी रह तेरी मम्मी भी रहेगी तो हम दादी के पास रहने लगे सेवा करने लगे उनकी एक चीज है जब आप बुजुर्गों की सेवा करते हो ना तो आपको बहुत आशीर्वाद मिलता है भाई मैं मेरा कुछ भी नहीं चल रहा था यार मेरा कुछ भी तो नहीं हो रहा था बट मैं जब भी दादी को ऐसे उठाता था, था ना खाना खिलाता था तू खुश रह तेरा हो जाएगा तू कर ले तो मम्मी कहती थी, थी इसको आशीर्वाद दो दादी दे तो रही हूँ कर तो रही हूं तो यार वो मोवमेंट ऐसा हो जाता था, था ना कि क्या ही हो रहा है तो एक दिन दादी से बैठे बैठे मैंने बोला मैंने कहा दादी कुछ हो नहीं रहा है आ, वीडियो बन नहीं रही है घर पे पड़ा रहता हूँ आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना आप सोचते हो शायद दादी की भी गलती है इन्होंने रोक के रखा है तो दादी कुछ चल नहीं रहा है क्या करूं मैं क्या करूँ बोली मेरे से क्या कह रहा है ऊपर जाके वीडियो बना ले <laughs> तो मेरे को लगा कि यार क्या ही ना ऊपर मैं ऊपर गया और मैंने स्टैंड पकड़ा आईफोन ख़रीदा था क्योंकि आईफोन इसलिए ख़रीदा था क्योंकि मुझे लगता था कि क्वालिटी के बिना कुछ नहीं हो पाएगा वो वीडियो रिलेटेबल थी और जैसे ही मैंने वो डाली उस पर आए ढाई सौ वीस मेरा दिमाग खराब मैंने कहा ये भी नहीं चला जैसे ही मैंने उसको मैंने कहा यार ये भी नहीं चला क्या करूँ ये तो बेचती वाली है ढाई सौ वीस तो नहीं दिखा सकता किसी को डिलीट कर दी

मैंने कहा तू आ भाई मैं दिखा हूँ तू देख किसी तरह क्योंकि पैसे ही नहीं था ना नेट चलेगा कैसे क्योंकि रिचार्ज नहीं हो रहा था चीजें नहीं हो रही थी बोला मैं आ रहा हूँ आवेश आया हमने देखा मैंने सत्रह मिलेगा चिंता मत कर जैसे ही वो चैनल चलाना यार थोड़े टाइम बाद मेरी दादी एक्सपायर हुई मतलब वो इतना मेरे को देख के गई ना उन्होंने वो उन्हों हमेशा पापा से कहती थी कि इसका काम खुलवाना यार इसको कुछ करवाना यार तो वो खुद करके चली गई मेरे लिए सब मैंने जैसी दादी एक्सपायर हुई हम कुछ दिन मैं रुका वीडियोस प्रॉपर पढ़ी नहीं लेकिन जैसे ही सब कुछ हुआ उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई जस्ट इंडियन ड्राइवर और वो हिट हो गई लोगों को मैंने कहा यार ये चल गई आवेश लोगों को शायद चैनल समझ में आ गया है हमें समझ में आ गया हमें क्या कंटेंट बनाना है मैंने और आवेश ने धड़ाधड़ वीडियो बनाना चालू किया हम गए द्वारा हाट मेरे भाई को छोड़ने जैसे भाई को छोड़ने गए हमने कहा यार आवेश आज भी एक वीडियो बनाते हैं तो आ, क्या कहते हैं आवेश बोला क्या बनाया क्या बनाया मैंने कहा यार अमित ने मुझे एक एक बार बात बोली थी मेरा दोस्त है उसने मुझे बोला था कि अंकुर क्योंकि जब हमारा कुछ नहीं चलता था ना तो मैं एक ही स्कूटी थी हमारे पास तो एक ही स्कूटी पापा ले जाते थे मील पे आ, पापा को मेरे को लगता था कि पापा को थोड़ी पैदल भेजूंगा तो मैं अमित से कहता था अमित यार वो तेरी स्कूटी चाहिए ले गया अमित यार ये चाहिए ले गया तो एक दिन उसने मेरी कॉलर पकड़ी बोला इधर इधर तेरी दोस्ती का एक फ़ायदा बता दे नुकसान में उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी लाइन है ये हर हर दोस्त अपने दोस्त को बोलता ही होगा ना यार मैंने कहा इसको लिख लेता हूँ कभी बताऊंगा यूट्यूब जो लोग वीडियो बनाते हैं ना मैं उनको एक चीज बता दूं आप ना जो ये एक्सपीरियंस आपका सत्रह अठारह उन्नीस मुझे इतना मेटीरियल मिल गया था ना मुझे कि अब जब मैं वीडियो डालता हूँ वो सारा मेटीरियल पिछला है क्योंकि वो मेरा सारा एक्सपीरियंस का मेटीरियल है क्योंकि मैं दो में आवेश को बोलता मैंने कहा मुहावरों पर वीडियो बनाएंगे आवेश तो उस टाइम समझ में नहीं आता था ना कैसे बनाए लेकिन जब ये चैनल चला तो मेरी समझ में आया कि यार मुहावरों पे ऐसे बना सकते हैं साफ कहना सुखी रहना तो आवेश ने मुझसे जब मैंने कहा तू मुझसे बाइक मांगता है मैं कहता हूँ नहीं दे रहा साफ कहना सुखी रहना तो ये मुहावरों पे जो कंटेंट था वो तब का सोचा हुआ मटेरियल अब काम आ रहा था तो आप एक्सपीरियंस लेते जाओ भाई जितना एक्सपीरियंस लोगे ना वो उसमें आपको मटेरियल मिलेगा बट उसको लिखना उसको राइट करना उसको दिमाग में नोट करना कि ये मैं कब बनाऊंगा ये मैं कब बनाऊंगा तो जब हम द्वाराहाट पहुंचे तो हमने ये वीडियो बनाई और उसके इस डायलॉग की वजह से भी मेरे को फायदा ही हुआ क्योंकि उसका से मेरे को फायदा ही हो रहा था तो मैंने ये वीडियो जब वहाँ बनाई और वहाँ से जब हम निकले तो क्या कहते हैं वो वीडियो पे अठारह मिलियन दे भाई वो जो एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट पता कैसी होती है एक मिलियन हो गया दो मिलियन हो गए तीन मिलियन हो गए चार मिलियन हो गए भाई ये आवेश बढ़ते जा रहे हैं यार ये तो सही हो रहा है सही हो रहा है वहाँ पे जब यहाँ पे पहुँचे तो हंड्रेड वो टेन के हो गए हमारे हमने कहा भाई टेन के एक दो के फोन आ गए यार अब तो तुम लोग बड़े आदमी हो गए यार टेन के और हमें समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ हो क्यों रहा है कैसे हो रहा है बस वीडियो डालनी थी गेम समझ में आ गई कि अब बस वीडियो डालनी है वीडियो डाली भैया खुश थे दोनों भाई खुश पेरेंट्स खुश कि चल रहा है लड़के का मेरी मम्मी को कभी भरोसा नहीं होता था कि इन चीजों से पैसा भी आता है है ना तो क्या कहते हैं जब पहली बार थोड़ा अमाउंट आया ना तो मैंने मम्मी को बताया मैंने मम्मी एक ब्रांड डील आ रही है छोटी सी और उससे पैसा आएगा तो बोली अरे ऐसे कैसे आते हैं पैसे तो मैंने कहा नहीं आते हैं देखना तो जब क्रेडिट हुए ना उसमें दस हजार रुपए अकाउंट में अरे मम्मी आ गए अब तक पैसे ले रहे थे आज पहली बार पैसे देने थे अब मैं उस दस हजार में मैं सोच रहा था क्या करूं पापा के लिए शर्ट ले लूं मम्मी के लिए क्या ले लूं भाइयों को क्या दे दूं मतलब आप समझ रहे हो यार चार साल लग गए वो दस हजार रुपये कमाने के लिए बैंड बच चुकी थी कि बस एक बार आ जाए और आ, हम लोग ये सोचते थे कि यार पैसे आएंगे ना हमेश तो कॉन्टेंट में लगाएंगे पैसे खाएंगे नहीं खाने हाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ जब हमारे पास कुछ काम नहीं था ना सत्रह अठारह में तो मैं और आवेश जैसे किसी ने निकलते थे ना तो मैं और आज गोलगप्पे भर के खाएंगे गोलगप्पो की आस रह जाती थी भाई हमारी कि यार क्या कहते हैं बीस के खिला दे तो कहते हैं, कम ठीक है बीस ही पड़े तो बीस के खा लेते हैं तो वो आस रह गई थी जब हमारे पास पैसे आए ना तो मैंने और आवेश ने हमारे टाउन का और आसपास के टाउन का एक भी रेस्टोरेंट नहीं छोड़ा मैंने कहा इतनी इच्छा भरनी है ना भाई खा खा के आवेश कि बैंड बच जाए बीमार भी हो गया था आवेश लेकिन हमने खाया हमने कहा ये वाली चीज तो मिटानी है भाई पहले तो जब जब वो पहला अमाउंट आया दस, दस हजार वाला मैं पागल हो गया मैंने कहा यार मम्मी क्या करूं, क्या करूं। अच्छा हो जा, होता है कैसा पैसे आते हैं इन चीजों से मैंने कहा पैसे भी आते हैं और सपने भी पूरे होते हैं चिंता मत करो सब करेंगे एक एक करके तो मैंने कहा ठीक है मैंने पैसे लिए दादी के नाम के निकाले पापा को दिए मैंने कहा पांच आप पकड़ो मैं आ रहा हूँ कैश निकाला आवेश के घर के मैंने कहा तू डिग्गी खोल <laughs> स्कूटी में घूमते थे तो स्कूटी की डिग्गी इससे खुलवाई इसको कुछ मिला खुशी हुई इसकी फैमिली में खुशी हुई मेरी फैमिली में खुशी हुई तो हमें गेम समझ में आ गई अब वीडियो अच्छी चल रही हैं लोगों को आ रहा है भाई समझ में जो हम डाल रहे हैं अब जैसे ही पैसे आए हमने कहा कि आवेश इस कॉन्टेंट को बढ़ाते हैं और रियल लोकेशन पे लाते हैं हाँ, सब कुछ रियल करेंगे कुछ भी फेक नहीं करेंगे एक भी छोटी सी छोटी चीज हमें बनना था कुछ भी हमें अगर ट्रेन में वीडियो बनानी है तो हमने कहा कि रियल ट्रेन लेंगे चाहे हमारी बैंड बचे ट्रेन में पहुंच गए ट्रेन वाला वीडियो इतना था कि हमें पहले दिन ट्रेन में गए ट्रेन निकल गई दूसरे दिन ट्रेन में गए जल्दी जल्दी घुसे जर्नल डब्बे में क्योंकि जर्नल डब्बे में शूट हो सकता था जर्नल डब्बे में घुसे बाथरूम में गए कपड़े चेंज किए आवेश ने कैमरा ऑन किया और हम लोग शुरू हो गए कमाल की बात है वहाँ पे सबको रियल टीटी फील आ रहा था तो क्या कहते हैं हमें भी बहुत आसानी हो गई तो काम करने लग गए कि भाई मेहनत जितनी थी सारी घुसेठ दी क्योंकि अभी क्या है आप गर्मी हो रही है वीडियो बनानी है रिकॉर्डिंग करनी है दोस्त खड़े हैं कोई आ ना जाए ये ध्यान रखना है और लोगों को डिस्टर्ब ना हो क्योंकि आस पड़ोस वालों को दिक्कत होती है ना तब आपका काम अच्छा नहीं होता तो भाई हम लोग अपना सारा करके हमने कहा पहला डायलॉग दूसरा डायलॉग तीसरा डायलॉग चौथा डायलॉग पूरी स्क्रिप्ट रेडी कर करके स्टेशन में भाग रहे हैं स्टेशन पे जैसे हम पहुंचे वीडियो बना बनू के कि भाई अब उसमें रह गए दो टेक कि भाई दो टेक रह गए तो फिर हमने चार बजे वेट किया कि दूसरी ट्रेन आएगी तो फिर हम वहां पे जहाँ पे पहुंचे थे वहां ट्रेन पे पहुंच गए और दो बजे हम वहां पहुंचे और उसके बाद हम चार बजे हमारी आने वाली ट्रेन थी हम वहां बैठे रहे स्टेशन की पूरी सब्जी खाई और क्या कहते हैं फिर बैठे रहे बहुत देर बैठे रहे हमने कहा करना है भाई क्या करें उसके बाद ट्रेन आई फिर वही चालू किया आते समय पूरा शूट हुआ पूरा शूट नहीं निपटा जब भी शूट नहीं पड़ता था ना यार इतनी खुशी होती थी हश ये निपट गया ये वाला कंटेंट हमें देना था और ये हो गया मेहनत लगी लेकिन ये हो गया एडिट रूम में गए एडिट किया बढ़िया करके आ, भाई बहुत अच्छा निकला एडिट करा आवेश को दिखाया कैसा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है भाई जब चैनल चला ना तो मैं उन लोगों को देखता था जीतू भैया अमित भैया जाकिर भैया इन लोगों में देखता था मैंने कहता है यार इन लोगों से एक बार बात हाथ मिला ले दो यार जब पहली बार इनके मैसेज आए ना यार मेरे को लगा यार ये ये क्या हो रहा है भाई जीतू भैया का मैसेज आ रहा है कि अच्छा कर रहे हो अमित भैया का मैसेज आ रहा है कि अंकुर खुश रहो बहुत अच्छा काम कर रहे हो कॉल करके बोल रहे हैं कि तेरे एक वेब सीरीज बना रहा हूँ उसमें तेरा रोल डालो यार मैं इन लोगों को देखता था आज ये लोग मुझे मतलब अप्रोच करे कितना अच्छा मेरे को मैं पागल हो गया था मैंने कहा यार मैसेज मैसेज मैं ऊपर नीचे वाले फ्लोर पे नेटवर्क नहीं आते थे मैं ऊपर जाके बैठ नंबर दे रखा है फोन आ गया तो नेटवर्क चले जाएंगे जब जाकिर भाई ने पहली बार वीडियो मेंशन करी ना तो मैंने ये सबको बताया सबको मैंने कहा यार जाकिर भाई ने वीडियो मेंशन किया है यार क्या हो रहा है मतलब आप पागल हो जाते हो इनसे आप सीख रहे हो इनसे आप जब मिलते हो तो अभी बहुत सारे सपने हैं बहुत सारी चीजें हैं जो पूरी करनी है लेकिन काम अभी भी वैसा ही चल रहा है लगातार रोज एक वीडियो डालते हैं हम कोशिश करते हैं अच्छी से अच्छी वीडियो डालें तो भाई आज की डेट में ना हर चीज कर लेते हैं जहां मन करता है वहां जाते हैं जिस दोस्त की शादी में गड्डी उड़ानी है उड़ा लेते हैं जो भी ब्रांड का कपड़ा पहनना होता है मन करता है वो पहनते हैं अब पहनते हैं और क्या कहते हैं जब भी माँ बाप को कुछ चाहिए होता है तो दिलाने का एक वो जो मन है ना कि यार मम्मी तू ले ले घुस जा मॉल में मैं देख लूंगा तो वो जो सक्सेस मिली है ना यार वो मजा आ गया और जब आप देखते हो ना कि यार इतना टाइम लगा 2017 से 18 दो हजार सत्रह से अब जाके चालू हुआ है तो वो जो टाइम पीरियड है ना पहले तो एक बात यार लिख लो स्ट्रगल नहीं है इतना टाइम लगना स्ट्रगल नहीं है एक टाइम पीरियड है टाइम लगेगा जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा ना तो आपकी वीडियोस आपका काम अपने आप अच्छा दिखेगा स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अगर आप पढ़ाई को चीजों को इन चीजों को अगर आप स्ट्रगल मानते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कोई चीज़ स्ट्रगल नहीं होती बस एक टाइम लैप होता है पूरा खत्म होता है टाइम आप बस आ, क्या कहते हैं आप चमक जाते हो धीरे 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 आगे बढ़ते हो फिर वो टाइम ख़त्म होता है उसमें चमक जाते हो तो जितना टाइम है अपने काम में आप अपना टाइम दो पूरा और फिर आपको आपकी जो सक्सेस है वो मिल जाएगी और जैसे ही सक्सेस मिलेगी आप यहाँ पे खड़े होगे और ऐसी एक इंटरव्यू दे रहे होगे जो ये सब मैं बोल रहा हूँ ना ये सब मेरा पहले का प्रिपेयर है भाई मैं नहाते हुए सोचता था कि यार एक दिन जाऊँगा ऐसे जो स्टॉक में बोलूंगा सबको बताऊंगा कि यार ये ये किया है भाई मैंने ऐसे ऐसे किया है और आज जब सक्सेस हो बड़ा अच्छा लगता है भाई काम करो टाइम लगाओ अपनी चीजों पे और बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा टेंशन नहीं लेनी अपने। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें